हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कश्मीरी तड़का ट्विस्ट। माय नेम इज जैस्मिन। आज हम बना रहे हैं जिंगर चिकन। आमतौर पर जिंगर चिकन बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। अब रेस्टोरेंट्स बंद है, लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, हम घर में बना लेंगे। क्रिस्पी चिकन बनाने की आपने बहुत सारी रेसिपीज देखी होगी, पर आज जो मेथड मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उससे चिकन बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्प बनेगा, अंदर से जूसी रहेगा। और बनाने में ये बहुत ही सिंपल है, मैं दिखाऊंगी आपको कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना जिंगर चिकन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहे। जिंगर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में पतला पतला कट किया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी और इसको मैरिनेट करूंगी। सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर, चुटकी भर मैंने यहाँ पर लिए काली मिर्च की पाउडर और नमक लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सिरका। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी चिकन के साथ। मैरिनेट करने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको यही मसालों का यूज़ करना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ऊपर नीचे कर सकते हो। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो इसका कोटिंग, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर मैरिनेशन आप अपने हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हो। चिकन को हम मैरिनेट होने देंगे 1 से 2 घंटे तक। तो चलिए आगे कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर मैदा, और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि हीरो इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, वो है ये आइस कोल्ड वाटर। और फिर कुछ स्पाइसेस, गार्लिक पाउडर और ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून ईच, 1/4 टीस्पून काली मिर्च की पाउडर और चुटकी भर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मसाले हम ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लोर के साथ। आगे लिया है नमक, मैंने लिया है यहाँ पर लगभग 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रखा है, जब तक हम चिकन को कोट करेंगे ऑयल गरम होगा अच्छे से। चिकन को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसको कोट करना स्टार्ट कर लूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने चिकन का पीस लिया है, अब मैं इसको मैदे में पोस्ट कोट कर लूंगी। पोस्ट कोट मैं लाइट करूंगी, आई विल जस्ट प्रेस इट लाइटली इस तरीके से। चलिए साइड बाय साइड मैं एक और पीस को कोट करके रखती हूँ ताकि हम तलते वक्त 2 पीस आसानी से तल सकते हैं। देखिए इसको भी मैंने इस तरीके से लाइट प्रेस किया है। अब जब ये फर्स्ट कोट हो जाएगा तब मैं इसको इस आइस कोल्ड वाटर में डिप कर लूंगी। इससे एक चीज ये होगी कि जो भी कोटिंग है वो सील हो जाएगी, और फिर हम उसको नेक्स्ट कोट करेंगे जो कि उसको वो क्रिस्प लेयर या परत देगा। आप देख सकते हो मैंने चिकन को ऑल पर्पस फ्लोर में कोट कर मैं उसको स्क्वीज कर रही हूँ। अब देखिए मैंने इसको ऑल पर्पस फ्लोर लिया, चिकन के ऊपर डाला और उसको स्क्वीज किया इस तरीके से। अब जब मैं इसके बाद स्क्वीज करने के बाद जब चिकन को उठाऊंगी और उसको हम हल्के से झटकेंगे, तब आप देख सकते हो कि लेयर्स कितने अच्छे तरीके से बन रहे। देखिए ये जो परत आप दिख रहे हो यही वो चिकन को क्रिस्पनेस देगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए बस अब हम इसको साइड में रखेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी रेडी रखते हैं। इसको मैं आइस कोल्ड वाटर में डिप कर रही हूँ और फिर हम इसको मैदे में डुबोकर स्क्वीज कर लेंगे।
जैसे आप आटा गूंदते हो बिल्कुल हमको उसी मोशन में चिकन को स्क्वीज करना है। देखिए इस तरीके से। आपको ये एक्शन कम से कम 7 से 8 बार करनी है और जब आप इसको उठाएंगे और झटकेंगे देखिए कितनी खूबसूरत इसको परतें आ गई है। बस बाय द टाइम ऑयल भी गर्म हो गया है, सो लेट्स फ्राई। ऑयल को हमको बहुत तेज गर्म नहीं करना है, ऑयल को गर्म होना चाहिए पर बहुत तेज नहीं, क्योंकि चिकन वरना अंदर से कच्चा रहेगा और ऊपर का कवरिंग जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तब हम इसको मीडियम टू हाई हीट पर ही फ्राई करेंगे। हमको ऊपर वाला कवरिंग लाइट ब्राउन करना है। देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, आप खुद देख सकते हो चिकन कितना क्रिस्पी दिखने में ही लग रहा है। चिकन की कवरिंग बिल्कुल करारी क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट है। तो देखिए कितने आसानी से हमने ये रेस्टोरेंट जैसा जिंगर चिकन घर पर बनाया है और आपने देखा होगा ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको राइट मेथड की ज़रूरत है। तो आप हमने जैसे बताया है आप इस मेथड को फॉलो कीजिए और इसको ज़रूर बनाइएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरीके से मैंने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है एंड आवर जिंगर चिकन इज रेडी। अब आप इससे बर्गर बनाइए या आप इसको सॉस में डिप करके ऐसे ही खाइए, ये आपकी मर्जी है। साथ में फ्राइज सर्व कीजिएगा, रेस्टोरेंट जाने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। ये फ्राइज जो हमने बनाए हैं ये होममेड फ्राइज है। अगर आपको हमारी फ्राइज की रेसिपी देखनी है तो यहाँ जो ऊपर लिंक आई है आप उस पर क्लिक कीजिएगा और उसको जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारी रेसिपी ट्राई की तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जिंगर चिकन कैसे बना था। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।